वेलकम एवरीवन पार्टिकल फिजिक्स के इस लेक्चर में हम आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस कॉन्जर्वेशन के बारे में जानेंगे कॉन्जर्वेशन लॉज में अभी तक हम सभी तरह के यूनिवर्सल कॉन्जर्वेशन लॉ पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ कन्जर्वेशन लॉज ऐसे हैं जो यूनिवर्सल नहीं हैं इन्हें अप्रॉक्सीमेट कॉन्जर्वेशन लॉ कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी के साथ ही यह पता चला कि स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन सेम स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों पार्टिकल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करते साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है ऐसे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक नए क्वांटम नंबर की ज़रूरत थी जिसे आइसोस्पिन नाम दिया गया आइसोस्पिन उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंट्रैक्ट करते हैं ऐसे पार्टिकल्स हेड्रॉन कहलाते हैं हेड्रॉन में मैसोन बोजॉन्स पार्टिकल्स हैं और बैरियन फर्मियन पार्टिकल्स आइसोस्पिन टर्म को उन ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जिनके मास ऑलमोस्ट सेम हैं सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स के मास बिल्कुल अलग हैं इनके मास किसी भी और पार्टिकल के मास के इक्वल नहीं है इन्हें सिंगलेट कहा जाता है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास आलमोस्ट सेम है इन्हें डबलेट कहते हैं इसी तरह के प्लस के ज़ीरो के माइनस के ज़ीरो बार और दोनों कैसकेट पार्टिकल्स के मास भी ऑलमोस्ट सेम है इन्हें भी डबलेट कहते हैं यह यह बात ध्यान रखें कि भले ही चारों का पायन्स एक जैसे हैं लेकिन इन्हें अलग अलग डबलेट ग्रुप में रखा गया है इसी तरह तीनों पायोन्स के मास तीनों सिग्मा बैरियॉन्स और तीनों रो रोमेसोन पार्टिकल्स के मास आलमोस्ट सेम है इन्हें ट्रिपलेट कहते हैं चारों डेल्टा बैरियॉन पार्टिकल्स के मास भी सेम होते हैं इन्हें क्वाड्रेट कहते हैं इन्हीं ग्रुप्स के लिए आइसोस्पिन डिफाइन किए गए इन ग्रुप्स को कॉमनली मल्टीप्लेट्स कहते हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी टू आई प्लस वन होती है जहां आई आइसोस्पिन है तो सिंगलेट के लिए आइसोस्पिन जीरो एक डबलेट के लिए आइसोस्पिन स्पिन हाफ ट्रिपलेट के लिए आइसोस्पिन वन जबकि क्वाड्रेट के लिए आइसोस्पिन थ्री बाई टू होती है एक बात और है कि यहाँ केवल हेड्रॉन के लिए ही आइसोस्पिन को डिफाइन किया गया है इसकी वजह है कि केवल हेड्रॉन ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं लेप्टॉन नहीं लैपटॉन्स के लिए अगर आइसोस्पिन की बात करें तो आइसोस्पिन के दो जनरेशन हैं स्ट्रॉन्ग और वीक जनरेशन अभी हमने जितने भी पार्टिकल्स के आइसोस्पिन डिफाइन किए हैं ये उनके स्ट्रांग आइसोस्पिन हैं और एग्ज़ाम में जब भी आइसोस्पिन की बात की जाती है तो उसका मतलब ही स्ट्रॉन्ग आइसोस्पिन होता है हालांकि लेप्टॉन के लिए स्ट्रोंग आइसोस्पिन डिफाइन नहीं है लेकिन अगर फिर भी रिएक्शन में लेप्टॉन्स पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके आइसोस्पिन को जीरो कंसिडर किया जाता है लेकिन वीक आइसोस्पिन लेप्टॉन्स के लिए भी डिफाइन किए जाते हैं बट यहाँ हम इतने डिटेल में ना जाकर ख़ुद को स्ट्रोंग आइसोस्पिन तक के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं लेप्टॉन्स के अलावा सभी गेस बोजॉन्स यानी कि फोटोन डब्ल्यू और जी बोजोन्स की आइसोस्पिन भी जीरो होते हैं आइसोस्पिन में स्पिन का मतलब पार्टिकल के स्पिन से नहीं है बल्कि इस क्वांटम नंबर को यह नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि स्पिन की तरह ही आइसोस्पिन की भी वैल्यूज इंटीजर या हाफ इंटीजर होती है स्पिन की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है जबकि आइसोस्पिन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्पिन की तरह ही आइसोस्पिन भी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल आइसोस्पिन कंजर्व रहनी चाहिए यहाँ यह बात ध्यान रखें कि आइसोस्पिन यूनिवर्सल कन्जर्वेशन लॉ नहीं है जिसका मतलब कि कुछ रिएक्शंस में आइसोस्पिन के नॉन कंजर्व होने पर भी वह रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करती हैं यहाँ हम केवल यह जानना चाहते हैं कि, कि किस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व है और किस में नहीं जैसे दो प्रोटॉन का डिके कायन और सिग्मा में प्रोटॉन और काइऑन दोनों ही डबलेट ग्रुप के मेम्बर्स हैं जिनके लिए आइसोस्पिन हाफ होती है जबकि सिग्मा ट्रिपलेट ग्रुप का मेम्बर है जिसका आइसोस्पिन वन होता है दोनों पेरेंट पार्टिकल्स प्रोटॉन्स का टोटल आइसोस्पिन जीरो या वन पॉसिबल हो सकता है जबकि दोनों डॉटर पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन वन बाई टू या थ्री बाई टू पॉसिबल हो सकता है चूंकि पेरेंट पार्टिकल्स का कोई भी टोटल आइसोस्पिन डॉटर पार्टिकल्स से मैच नहीं हो रहा दैट मीन्स इस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है दो प्रोटॉन का डिके प्रोटॉन, सिग्मा और कायन में हो रहा है अगेन चूंकि प्रोटॉन और कायन डबलेट ग्रुप के मेंबर्स हैं इसलिए इनका आइसोस्पिन स्पिन हाफ जबकि सिग्मा ट्रिपलेट ग्रुप का मेंबर है इसलिए इसका आइसोस्पिन वन होगा दोनों पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन स्पिन जीरो या वन पॉसिबल है जबकि डॉटर पार्टिकल्स की बात करें तो प्रोटॉन और सिग्मा का टोटल आइसोस्पिन वन बाई टू या थ्री बाई टू पॉसिबल हो सकता है इसमें कायोन के आइसोस्पिन का भी वेक्टर एडिशन करें तो डॉटर पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन 0, ज़ीरो वन या टू पॉसिबल हो सकता है चूँकि पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन डॉटर पार्टिकल्स के टोटल आइसोस्पिन से मैच हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व्ड है स्पिन और आइसो स्पिन को एक बार फिर से कंपेयर करें तो स्पिन की तरह ही आइसो स्पिन का भी प्रोजेक्शन होता है लेकिन स्पिन में प्रोजेक्शन को जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन से डिनोट किया जाता है जबकि आइसो स्पिन में इसे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन से किसी भी मल्टीप्लेट ग्रुप जिसका आइसो स्पिन आई हो उसके मेंबर्स के लिए आइसो स्पिन के थर्ड कंपोनेंट की वैल्यूज़ प्लस आई से माइनस आई तक वेरी करती है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डब्लेट ग्रुप के आइसोसपिन हाफ है लेकिन प्रोटॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस हाफ जबकि न्यूट्रॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन माइनस हाफ होती है इसी तरह पायोन ट्रिपलेट ग्रुप का आइसोस्पिन वन है तो पायोन प्लस का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस वन पायोन जीरो का जीरो जबकि पायोन माइनस का आइसोस्पिन माइनस वन होता है यहां सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट डिफाइन किए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है जैसे दो प्रोटॉन के इंट्रेक्शन से उनका डिके कायन और सिग्मा बैरियन में इस रिएक्शन में प्रोटॉन और कायन दोनों डबलेट ग्रुप के पार्टिकल्स हैं जिनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस हाफ होता है जबकि सिग्मा ट्रिपलेट ग्रुप का पार्टिकल है जिसका आई थ्री प्लस वन होता है तो चूंकि पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आई थ्री डॉटर पार्टिकल्स के टोटल आई थ्री के इक्वल नहीं है दैट मीन्स इस रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई कंजर्व नहीं है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंट्रैक्शन से लैम्डा और सिग्मा पार्टिकल में डिके हो रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आई थ्री प्लस हाफ और माइनस हाफ होते हैं जबकि लैम्डा जीरो सिंगलेट पार्टिकल है जिसका आई थ्री जीरो होता है वहीं सिग्मा प्लस का आई थ्री प्लस वन होता है अगेन इस रिएक्शन में भी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई कंजर्व नहीं है रो मैसोन का डिके पायोन्स में हो रहा है रो और पायोन दोनों ही ट्रिपलेट ग्रुप के पार्टिकल्स हैं न्यूट्रल रो का आई थ्री जीरो पॉजिटिव पायोन का आई थ्री प्लस वन जबकि नेगेटिव पायोन का आई थ्री माइनस वन होता है इस न्यूक्लियर डिके में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई कंजर्वड है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि आइसोस्पिन कन्जर्वेशन अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है जिसका मतलब कुछ रिएक्शंस में यह कंजर्व रहेगा लेकिन कुछ में नहीं फिर भी वह रिएक्शन अलाउड हो सकती है यह डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस फोर्स के अंडर प्रोसीड हो रही है इस बारे में डिटेल में फंडामेंटल फोर्सेस की स्टडी के दौरान जानेंगे अभी हम सिर्फ यह देखना चाह रहे हैं कि रिएक्शन में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कंजर्व है या नहीं एज़ वी लर्न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आइसोस्पिन हाफ होता है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बने सिस्टम यानी किसी न्यूक्लियस का आइसोस्पिन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है अगर किसी न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स और एन न्यूट्रॉन्स हो तो उस न्यूक्लियस के आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जेड माइनस एन बाई टू से दिया जाता है और उस न्यूक्लियस का मैक्सिमम आइसोस्पिन न्यूक्लियस के मास नंबर का हाफ होता है जैसे हीलियम न्यूक्लियस दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को हीलियम कहते हैं तो इसके आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जीरो और मैक्सिमम आइसोस्पिन टू होगा किसी भी न्यूक्लियस के सभी आइसोबार के आइसोस्पिन सेम होते हैं आइसोबार ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है जैसे कार्बन फोर्टीन नाइट्रोजन फोर्टीन ऑक्सीजन फोर्टीन तीनों न्यूक्लियस एक दूसरे के आइसोबार हैं जिनका आइसोस्पिन सेवन है लेकिन इनके आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट डिफरेंट होगा ड्यूटरन का आइसोस्पिन इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है ड्यूटेर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को कहते हैं दैट मीन्स इसका मैक्सिमम आइसोस्पिन वन होना चाहिए बट ड्यूटेरन का आइसोस्पिन जीरो होता है इसकी वजह है कि अगर किसी पार्टिकल का आइसोस्पिन वन है दैट मीन्स वह पार्टिकल एक ट्रिपलेट ग्रुप का मेम्बर है लेकिन ड्यूटेर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर एक टू न्यूक्लियॉन सिंगलेट सिस्टम बनाते हैं इसी वजह से इसका आइसोस्पिन जीरो कंसीडर किया जाता है जैसे दो ड्यूट्रॉन का डिके हीलियम और पायोन में ड्यूट्रॉन का आइसोस्पिन जीरो हीलियम का आइसोस्पिन टू और पायोन का आइसोस्पिन वन होता है पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन केवल जीरो ही पॉसिबल है जबकि डॉटर पार्टिकल्स के टोटल आइसोस्पिन वन टू या थ्री पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन डॉटर पार्टिकल्स टोटल के टोटल आइसोस्पिन के इक्वल नहीं है इसलिए इस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है बात करें थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की तो ड्यूटरॉन का आई थ्री जीरो हीलियम थ्री का आई थ्री भी जीरो और पायोन का आई थ्री भी जीरो होगा दैट मीन्स इस रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई थ्री कंजर्वड है नेक्स्ट कॉन्जर्वेशन लॉ है स्ट्रेंजनेस कॉन्जर्वेशन पार्टिकल फिज़िक्स के अर्ली डेज़ में साइंटिस्ट जैसे जैसे सफिशिएंट एनर्जी के पार्टिकल एक्सलेटर्स बनाते गए वैसे वैसे नए सब एटोमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती गई इनमें से कुछ पार्टिकल्स बहुत कम टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं और फिर डिके हो जाते हैं इसकी वजह है इनका मास एनर्जी कॉन्जर्वेशन से हम जानते हैं कि पार्टिकल जितना मैसिव होगा वह उतना ही ईजिली लाइटर मास पार्टिकल्स में डिके हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जो हैवी होने के बावजूद दूसरे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट कर पा रहे थे मतलब इनका डिके प्रोसेस काफ़ी स्लो था इन पार्टिकल्स की यह प्रॉपर्टी काफ़ी स्ट्रेंज होने की वजह से इसे स्ट्रेंजनेस और इन पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल नाम दिया गया स्ट्रेंज पार्टिकल्स के इतने टाइम तक एग्जिस्ट करने की वजह है कि इन पार्टिकल्स का डिके केवल वीक इंट्रैक्शन के थ्रू ही हो सकता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से नहीं और वीक इंट्रैक्शन के वीकर होने की वजह से इनका डीके स्लो हो जाता है स्ट्रेंजनेस की यह प्रॉपर्टी सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स में पाई जाती है किसी भी हेड्रॉन पार्टिकल के स्ट्रेंजनेस को ग्लैमर निशिजमा फार्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है इस फार्मूले में Q इलेक्ट्रिक चार्ज है I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है B बैरियॉन नंबर है और S स्ट्रेंजनेस है अभी तक के लेक्चर्स में हम एक पार्टिकल के लिए चार्ज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और बैरियॉन नंबर तीनों को ही पढ़ चुके हैं तो इन तीनों की हेल्प से किसी भी पार्टिकल के लिए स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट किया जा सकता है सबसे पहले इस रिलेशन को रीअरेंज करके स्ट्रेंजनेस के इक्वल कर लेते हैं प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रिक चार्ज का बैरियॉन पार्टिकल है जिसके थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होती है गलेमा फार्मूले से प्रोटॉन के लिए स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करने पर यह जीरो आती है मीन्स प्रोटॉन एक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल बैरियन पार्टिकल है जिसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन माइनस हाफ होता है न्यूट्रॉन भी एक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है के प्लस मैसॉन की बात करें तो के प्लस पॉजिटिवली चार्ज मैसॉन पार्टिकल है इसलिए इसका बैरियॉन नंबर जीरो और आई थ्री प्लस हाफ होता है यह एक स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस प्लस वन होती है इसी तरह ओमेगा माइनस नेगेटिवली चार्ज बैरियन पार्टिकल है जिसकी आई थ्री जीरो होती है इसकी स्ट्रेंजनेस माइनस थ्री है इस तरह किसी भी हेड्रॉन पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस दी गई है आप इसे नोट कर सकते हैं स्ट्रेंजनेस एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करते हैं और इन्हें कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है स्ट्रेंजनेस के नोटेशन में स्पिन से कंफ्यूज ना हो पार्टिकल फिजिक्स में स्पिन के लिए स्मॉल एस जबकि स्ट्रेंजनेस के लिए कैपिटल एस नोटेशन काम में लिया जाता है सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं मीन्स इनके लिए स्ट्रेंजनेस जीरो होती है कायन का डीके पायन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रीनों में हो रहा है इस रिएक्शन में कायन एक स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस प्लस वन है जबकि बाकी के तीनों पार्टिकल्स नॉन स्ट्रेंज हैं दैट मीन्स इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो प्रोटोन के इंट्रैक्शन से कायन और सिग्मा में डिके प्रोटोन एक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है जबकि कायन और सिग्मा स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व है जून 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेस डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस ऑप्शन फोर में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है कायन एक स्ट्रेंज पार्टिकल है जबकि पायन नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है दैट मीन्स इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कन्जर्व नहीं है बाकी के तीनों रिएक्शंस में स्ट्रेंजनेस कंजर्व है जिन्हें आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए एक और क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया जिसे हाइपर चार्ज कहते हैं हाइपर चार्ज पार्टिकल्स के बैरियॉन नंबर और स्ट्रेंजनेस का सम होता है दूसरे तरह से इसे डिफाइन करें तो किसी भी मल्टीप्लेट ग्रुप के मेंबर्स का हाइपर चार्ज उस मल्टीप्लेट के मेंबर्स के चार्ज के एवरेज का ट्वाइस होता है जैसे पायोन ट्रिपलेट मल्टीप्लेट में तीन पायोन पाई प्लस पाई माइनस और पाई जीरो हैं इन तीनों के चार्ज के एवरेज का ट्वाइस जीरो होगा दैट मीन्स तीनों पायोन का हाइपर चार्ज जीरो है इसी तरह दोनों न्यूक्लियॉन्स के एवरेज चार्ज का ट्वाइस वन होता है दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हाइपर चार्ज वन होगा हाइपरचार्ज को ग्लेमन ग्लेमनसमा फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है एज वी सेड बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस के सम को हाइपरचार्ज कहते हैं तो इस रिलेशन को रीअरेंज करने पर किसी भी पार्टिकल का हाइपरचार्ज उस पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्ज और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के डिफरेंस का ट्वाइस होता है इस फार्मूले को यूज़ कर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हाइपरचार्ज कैलकुलेट करने पर यह वन आता है आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस की तरह ही हाइपरचार्ज भी एक अप्रॉक्सीमेट कॉन्जर्वेशन लॉ है जो एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है यहां सभी मल्टीप्लेट ग्रुप्स के हाइपरचार्ज दिए गए हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं पायोन और प्रोटॉन का डिके कायन और लैमडा पार्टिकल में इस रिएक्शन में पायोन और लेमडा के हाइपरचार्ज जीरो जबकि प्रोटॉन और कायोन के हाइपरचार्ज 1 वन होते हैं इस रिएक्शन में हाइपरचार्ज कंजर्व्ड है डेल्टा पार्टिकल का डिके पायोन और न्यूट्रॉन में हो रहा है डेल्टा का हाइपरचार्ज 1, वन जबकि पायोन का हाइपरचार्ज जीरो और न्यूट्रॉन का हाइपरचार्ज 1 वन होता है इस रिएक्शन में भी हाइपरचार्ज कंजर्व्ड है नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट नोट्स आइसोस्पिन उन ग्रुप ऑफ सेम मास पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं मीन्स हेड्रॉन है पार्टिकल्स को मल्टीप्लेट के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एक मल्टीप्लेट के सभी पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन सेम होता है आइसोस्पिन की वैल्यू इंटीजर या हाफ इंटीजर हो सकती है और ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करते हैं आइसोस्पिन की कोई डायमेंशन नहीं होती है. सभी लेप्टॉन और गेजबोजॉन पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन जीरो होते हैं आइसोस्पिन की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आई कहलाती है जिसकी वैल्यू प्लस आई से माइनस आई तक वेरी करती है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करते हैं एक न्यूक्लियस जिसमें जेड प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉनस हो उनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जेड माइनस एन बाई टू से और पॉसिबल मैक्सिमम आइसोस्पिन ए बाई टू से दिया जाता है ड्यूट्रॉन का आइसोस्पिन जीरो होता है स्ट्रेंजनेस उन पार्टिकल्स के लिए डिफाइन की जाती है जो मैसिव तो हैं लेकिन वीक इंट्रैक्शन की वजह से उनका डीके बहुत स्लो होता है पार्टिकल्स के आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस के बीच रिलेशन को ग्लेमानिसमा फार्मूले से बताया जाता है पार्टिकल्स के बैरियॉन नंबर और स्ट्रेंजनेस के सम को हाइपर चार्ज कहते हैं यह भी एक अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है किसी मल्टीप्लेट ग्रुप का हाइपर चार्ज उस मल्टीप्लेट के मेंबर्स के एवरेज इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्वाइस होता है यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस दिए गए हैं अगर आप चाहें तो इस लेक्चर के डिटेल पी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स डाउनलोड करने के लिए या तो आप हमारे पेट्रियन पेज का मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं